हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। अगर आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीनशॉट को किस तरीके से लेंगे और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए सीख लेते हैं। आज का वीडियो छोटा तो है लेकिन काफी काम आने वाला है आप लोगों के, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर या पीसी पर कोई वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो और उसमें से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आज के इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने पीसी या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्क्रीनशॉट को आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की को ध्यान में रखना है। यहाँ पर पहली की जो है वो आपकी विंडो की है, जो ALT और CTRL के ठीक बीच में होती है विंडो की, इसको ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपके लैपटॉप या पीसी में कुछ अलग हो। मेरे पास HP का लैपटॉप है तो इसमें ये जो विंडो की है वो CTRL और ALT के ठीक बीच में है, ये रही विंडो की। और इस विंडो की के अलावा आपको एक की को और ध्यान रखना है, वो है आपकी प्रिंट स्क्रीन की, PRTSCN लिखा हुआ है मेरे की पे, और आपके पे भी इसी टाइप से कुछ ना कुछ लिखा होगा, ये कहलाती है प्रिंट स्क्रीन की। ये दो की का आपको हेल्प लेना है अपने PC या लैपटॉप के स्क्रीनशॉट लेने में, दो का आपको ख्याल रखना है इसमें। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको अपने PC या लैपटॉप के स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको सबसे पहले विंडो की और प्रिंट स्क्रीन की को एक साथ प्रेस करना होगा, और जैसे ही आप एक साथ प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन का शूट ले लिया जाएगा। तो ये देखिए, स्क्रीन का शूट ले लिया गया। यहाँ पर एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। एक साथ आपको दबाना है विंडो की और प्रिंट स्क्रीन की, दोनों को एक साथ दबाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका स्क्रीन शूट ले लिया गया है। और ये स्क्रीन शूट कहाँ जाके सेव होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने PC शॉर्टकट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स के नाम के दिया हुआ है, एक फोल्डर ये दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा, स्क्रीन शूट का ये फोल्डर बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पहले से कुछ स्क्रीन शूट ले रखे थे तो वो भी यहाँ पर सेव हैं, और जो अभी मैंने स्क्रीन शूट लिए हैं वो भी यहाँ पर आकर सेव हो गए हैं। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा फोल्डर, और ये दो वो स्क्रीन शूट हैं जो अभी आए हैं, ये दोनों स्क्रीनशॉट हमने अभी लिए हैं, तो इनको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही स्क्रीनशॉट है जो हमने अभी लिया है, और एक ये रहा, दोनों एक से हैं लगभग। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी वीडियोस को प्ले करके उसका भी स्क्रीनशॉट बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियोस में से कोई फ़ोटो लेना है तो आप आसानी से इस ट्रिक के द्वारा ले सकते हैं। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके तो काफ़ी काम आने वाली है ये ट्रिक, क्योंकि आप अपने वीडियोस के थंबनेल के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी। वीडियो छोटा था लेकिन काफ़ी काम का था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।